अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। तो आज के लैब में बेसिकली हम लोग एक तो जो है वो ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, यूजिंग मैटलैब। और सेकेंडली जो है हम लोग एनालाइज करने को डिज़ाइन करेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स को, कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स को हम थ्रेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं और थ्रू मैटलैब। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। अच्छा, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का होगा वो एक तो हम लोग जो है वो लैपलास एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म देखेंगे यूजिंग मैटलैब, ठीक है। तो कोर्स में आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को मैटलैब के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और हम इनवर्स लैपलास कैसे लेते हैं थ्रू मैटलैब, वो हम लोग जो है वो इस लैब में देखेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे टू रिड्यूस द मल्टीपल सब सिस्टम्स यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीपल अगर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो उसको हम एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। पहले आप सॉल्व करोगे उसके, और थ्रू मैटलैब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे आज की लैब में। और फिर आपने जो सारा काम किया हो उसको आपने सिमुलिंक के थ्रू भी, जो ब्लॉक डायग्राम है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म, अब लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होती है कि जो भी आपका टाइम डोमेन सिग्नल है, ठीक है, अगर हमने उसको क्या करना है कि एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डेट इज़ बेसिकली लैपलास। तो हम टाइम डोमेन को जो है वो लैपलास डोमेन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है। जो भी हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो सिग्नल है जिसकी हमने बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई की पावर माइनस एस टी से, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो बेसिकली लैपलास के फॉर्म में आएगा। सो इस तरह ही आपको टेबल गिवन है, ये भी आई थिंक आपने कोर्स में देख लिया है कि अब मल्टीपल टाइम डोमेन में सिग्नल हैं आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ टी मल्टीपल आपके पास जो है फंक्शन है टाइम डोमेन में, तो इसकी लैपलास बेसिकली क्या होगी। अब जैसे वन है, वन की लैपलास क्या होती है हमारे पास, वन ओवर एस होती है। तो अगर हम वहाँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक्स ऑफ टी की जगह वन पुट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली आएगा वन ओवर एस, ठीक है। इस तरह टी की पावर एन, टी की पावर एन का लैपलास का होगा एन फैक्टोरियल ओवर एस के ओवर एन प्लस वन, ठीक है। मीन्स के जो पावर होगी, ठीक है, अगर टी स्केयर है, ठीक है, तो टू फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि टू ही होता है, ओवर एस की पावर टू प्लस वन एस क्यूब, टू ओवर एस क्यूब होगा टी स्क्र की लैपलास। इस तरह आप जो है वो किसी भी आपने एक्सप्रेशन की लैपलास लेनी है, ठीक है, तो आप सिंपल उसको यहाँ पे पुट करोगे और वो आ जाएगी। तो ये जेनेरिक आपको बताया होगा कि टी की कोई भी पावर आ जाए तो उसको आप इसके थ्रू उसकी लैपलास फाइंड कर सकते हो। इस तरह मल्टीपल है, साइन ए टी का लैपलास क्या होता है ये, ठीक है, कॉस का, इस तरह एट सॉन, ठीक है, मल्टीपल सिग्नल है जिसकी लैपलास आपको गिवन है। अच्छा, अब मैटलैब में हम लोग जो है वो किस तरह लैपलास को फाइंड करते हैं, ठीक है, टू को बिल्ड लैपलास ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, इन मैटलैब। तो हम क्या करेंगे कि पहले आप जो है वो टाइम डोमेन में जो भी आपका है, जो भी वेरिएबल है उसको आप डिफाइन करोगे, ठीक है, तो लैपलास ऑफ एक्स क्या होगी, बेसिकली वन ओवर एस स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स बेसिकली है टी है, तो आप इसको टी भी कर सकते हो, ठीक है, टी का वेरिएबल कर लो, लैपलास टी करोगे, तो टी की बेसिकली लैपलास क्या होती है, वन ओवर एस स्क्वायर होती है। जैसे अब अगर आप यहाँ पे टी ले लोगे ना, यहाँ पे एक्स ऑफ टी की जगह हम टी लिखते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी लैपलास होगी वन ओवर एस स्क्वायर, ठीक है। इस तरह मल्टीपल सिग्नल, कोई भी सिग्नल है, आप उसके जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करोगे ऊपर और उसके सिंपल जो है आप लैपलास ले लोगे। इस तरह अगर किसी सिग्नल की हमने इनवर्स लैपलास फाइंड करनी है, तो उसके लिए आई लैपलास की कमांड यूज़ होती है। तो पहले आपको एस को एज अ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप सिंपल क्या करो, आई लैपलास करोगे, वन ओवर एस स्केयर करोगे, ठीक है, तो वन ओवर एस स्केयर का बेसिकली इनवर्स लैपलास क्या होता है, टी होता है, तो ये उसने आपको टी दे दिया। अब क्योंकि इसको किसी वेरिएबल ने सेव नहीं करवाया, तो बाई डिफॉल्ट आंसर में बेसिकली आपका टी, आपकी इसकी इनवर्स लैपलास आ जाएगी। अच्छा, आगे ब्लॉक रिडक्शन के कुछ जो है वो टेक्निक्स हैं उसको हम देखते हैं।
अच्छा, अब ये एक सिस्टम है आपके पास, सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2, इसका जो है वो फीडबैक हो रहा है, ठीक है। तो ये फीडबैक में अगर आपके पास सिस्टम आ जाता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तो आपने जो है वो कोर्स में पढ़ चुके हैं कि थ्योरेटिकली हम इसको कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक हो रहा है तो इसका से किया जाएगा सिस्टम 1 / सिस्टम 2। मीन्स के आपके पास अगर नेगेटिव फीडबैक हो रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो प्लस आएगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। तो उसके थ्रू आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली, अगर हमने इस सिस्टम को मैटलैब के थ्रू सॉल्व करना है तो वो हम कैसे करते हैं। मैटलैब की एक फीडबैक की कमांड होती है, सिंपल फीडबैक, ठीक है। इसमें सिस्टम 1 आ जाएगा, उसके बाद जिस जो सिस्टम फीडबैक हो रहा है वो आएगा। तो यहाँ पे सिस्टम 1 है, ठीक है, और ये बेसिकली सिस्टम 2 फीडबैक हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम 2 आ जाएगी, इसकी जो सेकंड एंट्री है यहाँ पे। तो अब ये कमांड क्या करेगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक सॉल्व करेगी। ये अगर आप कमांड, अगर आप सिंपल फीडबैक सिस्टम 1 सिस्टम 2 लिखोगे तो आपके पास जो सिस्टम 1 सिस्टम 2 है इसको एज अ नेगेटिव फीडबैक लेगा, ठीक है। और अगर आपने आपका पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये कमांड होती है, सिस्टम इज इक्वल टू फीडबैक सिस्टम 1 लिखोगे, सिस्टम 2 लिखोगे और कोमा आ गया +1 करोगे। तो +1 अगर आप आगे लिखोगे, इसका मतलब है कि जो ये सिस्टम इसको सॉल्व करेगा वो पॉजिटिव फीडबैक सॉल्व करेगा इसको, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, लास्ट पे थर्ड एंट्री पे कुछ नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज अ नेगेटिव फीडबैक लेगा। अगर आपने +1 बता दिया, इसका मतलब है कि वो उसका पॉजिटिव फीडबैक सॉल्व करेगा। तो ये बेसिकली सेंटेक्स है आपका पॉजिटिव फीडबैक को सॉल्व करने का। इसी तरह अगर आपके पास दो सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम 1 है, इसका एक ट्रांसफर फंक्शन होगा, इसका सिस्टम 2 का एक ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। अगर दोनों कैस्केडेड में है, ठीक है, तो हम कैस्केडेड भी कहते हैं इसको, हम सीरीज़ में भी कहते हैं, दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो अगर तो दोनों कैस्केडेड में है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि हम सिंपल दोनों सिस्टम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको मैटलैब के थ्रू सॉल्व करना है तो मैटलैब के थ्रू हम क्या करेंगे, सीरीज़ कमांड यूज़ होती है। तो सीरीज़ में अगर सिस्टम 1 / सिस्टम 2 करेंगे तो ये बेसिकली SYS में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को ये सीरीज़ में सोल्व करके आपको रिजल्ट दे देगा इस सिस्टम में, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट, अगर आपके पास दो सिस्टम है, ठीक है, एक ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये दोनों क्या पैरेलल में है। अब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ये बेसिकली क्या समर है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट बेसिकली क्या आएगा, सिस्टम 1 + सिस्टम 2। तो थ्रेटिकली अगर आपने इसको सोल्व करना, आप क्या करोगे, दोनों को सिंपल ऐड कर लोगे तो ये पैरेलल में आपके पास सोल्व हो जाएगा, तो एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने इसी को मैटलैब के थ्रू करना है तो अब ये थ्योरेटिकल है कि दोनों को ऐड कर लो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिस्टम 2 का यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये सिस्टम 1 - सिस्टम 2 हो जाता, तो अभी पॉजिटिव है दोनों, तो ये सिंपल ऐड हो गए। इसी तरह अगर आपने जो है वो सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है, मैटलैब के थ्रू, तो पैरेलल सिस्टम को, उसके लिए पैरेलल की कमांड होती है। तो पैरेलल में आप सिस्टम 1 लिखोगे, कोमा सिस्टम 2 करोगे, तो ये सिस्टम में बेसिकली ये दोनों को पैरेलल सोल्व करके आपको रिजल्ट जो है वो सिस्टम में दे देगा, ठीक है। इसी तरह ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के, ठीक है, कि अगर आपके पास दो सिस्टम के स्केडेड में है, ठीक है, तो दोनों सिंपल आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह अगर आपके पास एक G1 सिस्टम है, G2 सिस्टम है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो G1 - G2 हो जाएगा, अगर दोनों प्लस हैं तो G1 + G2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपने ये जो आपका है टेक ऑफ पॉइंट, इसको इस ब्लॉक से आगे लेके जाना है, ठीक है, हम चाह रहे हैं ये टेक ऑफ पॉइंट मूव करके यहाँ पे चला जाए, तो इसको सिंपल हम यहाँ पे मूव कर देंगे और जो नीचे वाली ब्रांच हो गई इसमें आपके पास जो भी सिस्टम होगा उसके साथ जो है वो जी बेसिकली डिवाइड हो जाएगा। ये जो भी आगे ये सिस्टम हमारा ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल सिस्टम बन जाएगा। इस तरह अगर आपने ये जो टेक ऑफ पॉइंट को पीछे लेके आना है ब्लॉक के, ठीक है, तो अगर इसको आप पीछे लेके आओगे तो ये जो नीचे वाली ब्रांच है यहाँ पे सिंपल आपके पास जी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी तरह अगर आपने जो है वो ये समर को आगे मूव करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर समर को आगे मूव कर दिया तो ये जो नीचे वाली ब्रांच है यहाँ पे भी जी आ जाएगा। एक तो जी यहाँ पे आ जाएगा, जब समर आप आगे मूव करोगे जी इधर आ जाएगा U1 के साथ, और नीचे वाले के साथ भी जी आ जाएगा,
तो ये थोड़े से सिस्टम को सोल्व करने के, मतलब थोड़ा रिड्यूस करने के जो हमें कुछ रूल्स हैं, तो आई थिंक कोर्स में भी आप पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने आपको एक रिवीजन करवाई है। अच्छा, अगर टास्क आ जाते हैं। अच्छा, टास्क वन क्या है कि कंप्यूट द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि लैपलास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कि लैपलास की कमांड मैटलैब में यूज़ होती है। तो मैटलैब के थ्रू आपने क्या करना है कि लैपलास इन फंक्शंस की लैपलास फाइंड करनी है मैटलैब के थ्रू। तो ए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कोई वेरिएबल है, तो ए को आपने सिंपल डिफाइन कर लेना है ऊपर, तो फिर ए का आपने लैपलास ले लेना है। तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का लैपलास क्या होगा, वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह टी स्केयर का लैपलास क्या होगा, पहले टी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ वेरिएबल। फिर आप सिंपल उसको क्या करोगे, लैपलास कर दोगे, तो उसका एक्सप्रेशन आपको रिटर्न कर देगा। इस तरह मल्टीपल सिग्नल्स के हमें लैपलास फाइंड करनी है। इस तरह टास्क टू है आपका, इसमें आपने क्या करना है, इन्वर्स लैपलास फाइंड करना है यूजिंग मैटलैब। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने सिंपल पहले क्या करना है, एस को डिफाइन कर देना ऊपर एज अ वेरिएबल, तो इन्वर्स लैपलास में पूरा आपका सिस्टम आ जाएगा। इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल कहीं लिख लेना है, ठीक है। तो अगर आई लैपलास यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका इन्वर्स आपको रिटर्न कर देगा। इस तरह इस एक्स ऑफ एस नेक्स्ट का भी आप लोगों ने इन्वर्स लैपलास लेना है। अच्छा, अब ये टास्क थ्री है आपका। इससे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि हम ब्लॉक्स को किस तरह थोरेटिकली सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम आ जाता है, उसको कैसे थोरेटिकली सॉल्व करते हैं, और मैटलैब के थ्रू उसी सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी हम लिखेंगे। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर हम इस टास्क पे आते हैं। तो ये एक बेसिकली आपके पास सिस्टम है, ये एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है आपको सिस्टम के, ठीक है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें दो समर आ रहे हैं और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और ये भी फीडबैक हो रहा है, ये ऊपर भी फीडबैक है। तो इसको हम जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, वही चीज़ है कि हम सिंपल जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे ब्लॉक रिडक्शंस के, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक जो है ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो राइट वे है इसको करने का, कि हम जो है वो लास्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, लास्ट से पीछे की तरफ आ रहे होते हैं। तो अभी ये आपके पास क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सिंपल ये सीरीज़ में भी कर लो, साथ में ये भी कर लो, दो स्टेप एक में ही स्टेप में भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लाइन वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली पता चल सके। तो पहला स्टेप क्या है कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हम मूव करके अगर यहाँ पे ले आए, जब इस ब्लॉक से आगे हमने जो है वो टेक ऑफ पॉइंट को लेके आना, तो उसका क्या रूल था वो हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली रूल फॉलो होगा कि ये जो आपके पास टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हमने इस ब्लॉक से आगे लेके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये इसको आगे ले जाएंगे, जो नीचे जो भी आपके पास ब्रांच आ रही होगी, उसके साथ जो आपके पास है ये सिस्टम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो सिंपल क्या किया, इसको हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है। अब इसको वहाँ यहाँ पे मूव कर दिया, और जो नीचे वाला सिस्टम है, इसके साथ क्या होगा, ये G3 डिवाइड हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आप काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब ये देखें, G1 G2 G3 आपके पास क्या हैं, कैस्केडेड में बन रहे हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके हम इसको एक ही ब्लॉक में जो है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, इन तीनों को हमने क्या करना किया है, कैस्केडेड में सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये एक सिस्टम है, इसके साथ ये यूनिटी फीडबैक हो रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक है बेसिकली, ठीक है। तो फीडबैक हम किसी भी सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको बताया हुआ है कि अगर एक आपके पास जी सिस्टम है और एच इसका जो है वो फीडबैक हो रहा है, अगर नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, तो आप G/1+GH हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके इस तरह हम इसको सॉल्व करके एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अब ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम एज यूनिटी फीडबैक सॉल्व करें तो क्या आएगा आपके पास,
क्या है आपके पास, जी डिवाइडेड बाई वन प्लस जी इंटू एच, तो ये आपके पास जी है सिस्टम पूरा, ये जी डिवाइडेड बाई वन प्लस जी इंटू, अब एच यहाँ पे क्या है वन है, तो ये वन इंटू ही आपका सिस्टम आ गया। तो ये सिंपल आपका पूरा जो है सिस्टम ये सॉल्व होके फीडबैक में ही आपके पास आ गया। अब इस तरह ये जो सिस्टम आपके पास क्या है कैस्केडेड में, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, तो ये आपका सिस्टम आ गया। अब इसके साथ ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम एक नेगेटिव में फीडबैक हो रहा है, तो वही आपके पास सेम आप यूज़ करोगे, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर हो जाएगा। अब मतलब ये डिवाइडेड बाय, अब नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, साथ में जी ओ फैस एच आ जाएगा, इंटू एस एच ओ फैस आ जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है, ये पूरा आपके पास ब्लॉक डायग्राम है ये वाली, इसको हमने सिंपल सॉल्व कर लिया एक सिंगल ब्लॉक में, ठीक है। अच्छा, अब इसी सिस्टम को हम मैटलैब के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब यही सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको हम मैटलैब के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम कितने यूज़ हो रहे हैं, जी वन है, जी टू है, एच वन है और जी थ्री है, ठीक है। तो मैटलैब में पहले हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या है कि जी वन जी टू जी थ्री एच वन को हमने ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा एज अ ट्रांसफर फंक्शन, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है। तो हम कैसे कर रहे होते थे, हम सिस्टम के पहले न्यूमिनेटर लिखते थे डिनोमिनेटर, ठीक है, और फिर टी एफ के कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास जी सिस्टम है, ठीक है, हमने इसको मैटलैब में डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम इस सिस्टम के पहले न्यूमिनेटर लिखेंगे, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो न्यूमिनेटर में आपके पास एस का कोएफिशिएंट क्या है, टू आ गया है, कोएफिशिएंट क्या है थ्री, इस तरह ये डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, एस का यहाँ पे ज़ीरो है और कॉन्स्टेंट वन है, तो ये आ गया। तो सिंपल जी इज इक्वल टू टी एफ में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जी में बेसिकली आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा, तो ये बेसिकली आपका मैटलैब में ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। इस तरह आपने जी वन जी टू जी थ्री एच वन सबको ऊपर पहले डिफाइन कर लेना है, आपने सारे ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या काम है, क्या आ गया, आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि अब ये पिको पॉइंट वाला कोई कमांड नहीं है मैटलैब में, मैटलैब में तीन है, या फीडबैक सॉल्व होगा या सीरीज़ में या पैरेलल में, ये तीन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल पिको पॉइंट को यहाँ पे ले आए, तो इस सिस्टम से बेसिकली हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें, अब ये आपके पास तीन सिस्टम है, अब ये कैस्केडेड में, पहले हम क्या करते हैं इसको कैस्केडेड में जो है मैटलैब पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जी वन जी टू को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो कैस्केडेड के लिए हम सीरीज कमांड यूज़ करते हैं, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ कर लेंगे कैस्केडेड में। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पहले हमने क्या किया है कि जी वन और जी टू दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लिया यूजिंग सीरीज कमांड, तो इन दोनों का जो सीरीज़ का रिजल्ट है वो बेसिकली सिस्टम में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो बेसिकली ब्लॉक है, ये दोनों जो है ये सॉल्व होके आपके पास ये एक ब्लॉक आ जाएगा जिसका नाम है सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम उस सिस्टम को और जी थ्री को सीरीज में कर लें तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट फिर हमने सीरीज कमांड यूज़ कर लिया, उसमें हमारा सिस्टम आ गया और साथ में जी थ्री आ गया, तो बेसिकली तीनों क्या हो गए आपके पास, ये सिस्टम वन में तीनों कैस्केड में सॉल्व हो गए, ये आपके सिस्टम वन में आ गए। तो ये तीनों को मैंने सॉल्व करके, तो ये एक एक मैटलैब में इसने सिस्टम वन का नाम दे दिया, ठीक है, तीनों को सॉल्व करके एक सिस्टम आ गया आपके पास, उसका हमने सिस्टम वन का नाम दे दिया। अब ये सिस्टम वन को अगर हम फीडबैक सॉल्व कर लें वन के साथ, तो उसको भी एक सिस्टम का नाम दे देंगे हम, तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया, जो सिस्टम वन है उसको फीडबैक कर लिया एफ के साथ। अब एफ क्या है, अब यूनिटी फीडबैक और एफ को पहले ऊपर डिफाइन करना है, एफ इजिकल टू वन है, तो बेसिकली ये वन के साथ क्या हो जाएगा, फीडबैक सॉल्व हो के, तो इसका जो रिजल्ट है वो सिस्टम टू में जो है वो सेव हो जाएगा। तो सिंपल हमने क्या किया कि इसका फीडबैक वन सॉल्व करके ये आपका पूरा सिस्टम है, तो इसका रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, ये सिस्टम टू में सेव होगा,
ठीक है। इसी तरह अब हम अगर नेक्स्ट हमने करना है तो ये जी वन इसके साथ कैस्केड है, तो अगर हम एक सीरीज़ के कमांड यूज़ कर लें, एक सिस्टम को कोई भी नाम डिक्लेयर कर लें, सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम टू को सीरीज़ कोमा सिस्टम टू कोमा जी वन कर लें, तो ये दोनों भी सीरीज़ में सोल्व हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे आगे हमने क्या किया, एक सिस्टम थ्री का नाम ले लिया सीरीज़ में सिस्टम टू को और जी वन को कर लिया, ठीक है। इस तरह हमने एक सिस्टम डिफाइन कर लिया एच वन ओवर जी थ्री, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है, इसको भी एक सिस्टम का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये एच वन ओवर जी थ्री बेसिकली आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सीरीज में सोल्व करने के बाद हमने फीडबैक करना है, अगर यहाँ पे जो भी फीडबैक आ रहा है उसको भी हम एक सिस्टम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इसको भी एक सिस्टम का नाम दे रहे हैं, जैसे ये नीचे आप देखें ये सिस्टम थ्री का नाम दे दिया, इसको हमने सिस्टम फोर का नाम दे दिया। सिस्टम थ्री को अगर हम सिस्टम फोर के साथ फीडबैक कर लें, फीडबैक सिस्टम थ्री कोमा सिस्टम फोर करेंगे तो फीडबैक ये सोल्व हो जाएगा। तो ये नीचे सिंपल क्या किया हुआ है कि फीडबैक कर दिया सिस्टम थ्री को सिस्टम फोर को, तो इसका रिजल्ट में हमने डब्ल्यू सिस्टम में सेव कर दिया। तो ये एक सिस्टम आ गया, इसका हमने नाम दिया डब्ल्यू सिस्टम का। तो अगर हमने सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हम बस स्टेप ये करेंगे तो पूरे सिस्टम आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम टास्क की तरफ आते हैं, आप लोगों ने क्या करना है। कंसीडर द वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड रिड्यूस द गिवन सिस्टम यूजिंग थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। अब नीचे आपको सिस्टम्स गिवन होंगे, आपने सब सिस्टम्स को क्या करना है कि थ्योरेटिकली सॉल्व करना है और एक सिंगल जो है वो रिड्यूस्ड जो है वो ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। देन फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ बोथ सिंप्लीफाइड एंड नॉन सिंप्लीफाइड वर्जन यूजिंग मैटलैब एंड वेरीफाई बोथ रिस्पॉन्स शुड बी सेम। तो आपने क्या करना है कि नीचे आपको सिस्टम दिए होंगे, ये जैसे देखें ये क्वेश्चन वन है, ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब ये जी वन आपको ऊपर दिया हुआ है, ये आपको जी वन है, जी वन जी टू और एच वन, ठीक है। तो जी वन आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपने सिंपल पहले कैलकुलेशन करनी है कि अब ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, हम इसको नेगेटिव कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया फार्मूला के थ्रू। आपने क्या करना है, इसको पहले सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम को मैटलैब के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको सॉल्व करना है, जब एक सिंगल एक ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ रहा होगा और सिंगल ट्रांसफर फंक्शन का स्टेप और ये पूरे सिस्टम का स्टेप जो आप इसको सीरीज और डिफरेंट कमांड्स के साथ करोगे, दोनों का आपने स्टेप रिस्पॉन्स देना है। वो स्टेप रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आपने पहले थ्योरेटिकल सॉल्व करके एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, वो एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसका आपने स्टेप लेना है, और आपने ये पूरे सिस्टम को सीरीज और पैरेलल कमांड लगा कर जो भी आपकी कमांड जो होंगी सॉल्व करना है उसका स्टेप रिस्पॉन्स लेना है। तो दोनों का स्टेप रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए, सेम। आपके पास पार्ट थ्री है, ठीक है। तो इसको आपने पहले थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, और एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, फिर इसी को ब्लॉक को आपने मैटलैब के कमांड्स के थ्रू करना है, ठीक है, और दोनों का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है और सेम होना चाहिए। तो ये भी जस्ट जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किया वैसा ही है, इजी है, कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अब ये जो पूरा ऊपर सिस्टम दिया वो ये पहले आपने सॉल्व किया वो ये सिस्टम आपके पास ये नीचे भी आ रहा है फीडबैक, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा बेसिकली एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगा। इस तरह आपके पास ये सिस्टम है एक, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो सिंपल आप जी वन प्लस जी टू करके इसको भी एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह आपने ये टेक ऑफ पॉइंट को आपने आगे मूव करना है तो ये जी थ्री यहाँ पर डिवाइड, मतलब डिफरेंट रूल्स लगा के ये आप पे आगे आप कैसे इसको करते हो, आपने सिंगल ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपका जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो रिड्यूस्ड फॉर्म जो है उसका और जो पूरे सिस्टम का ये आपका जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ है, आल्सो इम्प्लीमेंट द ब्लॉक सिस्टम यूजिंग सिम्बलिंग।
तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो तीनों सिस्टम हैं इनको सिमुलिंक में इंप्लीमेंट करना है, तीनों ब्लॉक्स को सिमुलिंक में इंप्लीमेंट करना है और इसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, तो वो स्टेप रिस्पॉन्स वैसा ही आना चाहिए जैसा आपका मैटलैब से आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सिमुलिंक पे भी थोड़ी ग्रिप हो जाएगी आपकी, तो सिमुलिंक की चीज़ों को भी आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकोगे, सिमुलिंक पे अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी। प्रीवियस लैब में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सिमुलिंक का, तो अगर किसी को सिमुलिंक यूज़ करना नहीं आता तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की लैब 3 है, तो आप उसको सर्च करके जो है वो देख सकते हो मेरी प्ले लिस्ट में जाके, तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख लें सिमुलिंक का। तो जब आप कर लोगे तो इन सब ब्लॉग्स को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग मैटलैब एंड सिमुलिंक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।